नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। तो दोस्तों, आसुस ने लॉन्च कर दिया है इंडिया में आसुस जेन फोन मैक्स प्रो M2 को, और काफ़ी अच्छे प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छे फीचर भी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्राइस में दो और फोन है जो कि इंडिया में काफ़ी धूम मचा रहे हैं। पहला जो है आपका ऑनर 8X, ये भी फोन काफ़ी धूम मचा रहा है, और दूसरा जो फोन है आपका Realme 2 Pro। तो तीनों फोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा कि तीनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा फ़ोन सही रहेगा, तो मैं बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा फ़ोन सही रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि तीनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले तीनों फोन की डिस्प्ले की। तो आसूस के फोन में आपको देखने को मिलेंगे 6.26 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि इसमें आपको सिंपल सा नॉच देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इसका डिस्प्ले काफी आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑनर 8X में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। इस फोन में भी आपको एक सिंपल सा नॉच देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं Realme 2 Pro फोन की, तो इसमें आपको डिस्प्ले रहेगी 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले रहेगी, लेकिन इस डिस्प्ले में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीनों फोन की कैमरा की। तो आसूस के फोन में आपको बैक साइड में 12+5 MP का डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं ऑनर 8X में, तो इसमें आपको 20+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। Realme 2 Pro में बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 16+2 MP का रियर कैमरा। तो कह सकते हैं कि बैक कैमरा में आपका ऑनर 8X का कैमरा काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो ऑनर 8X और Realme 2 Pro दोनों फोन का कैमरा 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं Asus के फोन में आपको देखने को मिलेगा 13 MP का सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं तीनों फोन की प्रोसेसर की। तो Asus के फोन और Realme 2 Pro इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 660 प्रोसेसर। ऑनर 8X में आपको देखने को मिलेगा Kirin का 710 प्रोसेसर। तो तीनों फोन का प्रोसेसर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों फोन में आप आराम से कोई भी गेम खेल सकते हैं, पबजी जो भी खेलना है आप आराम से तीनों फोन में खेल सकते हैं। बात करें आप तीनों फोन की रैम और स्टोरेज की, तो आसूस के फोन में आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरियंट रहेगा आपका 3 GB रैम के साथ में 32 GB मेमोरी, और दूसरा जो वेरियंट रहेगा आपका 4 GB रैम के साथ में 64 GB मेमोरी, और तीसरा वेरियंट जो रहेगा 6 GB रैम के साथ में 64 GB मेमोरी। ऑनर 8X की बात करें तो इस फोन में आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे। पहला जो रहेगा आपका 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, सेकंड जो रहेगा आपका 6 GB रैम 64 GB मेमोरी, और जो तीसरा वेरियंट रहेगा आपका 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी। Realme 2 Pro में भी आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरियंट रहेगा इसका 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, दूसरा जो वेरियंट रहेगा आपका 6 GB रैम 64 GB मेमोरी, और तीसरा जो इसका वेरियंट रहेगा आपका 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। तीनों ही फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे काम करेंगे, हालांकि आसूस का फोन स्ट्रोक एंड्रॉइड पे चलेगा। बात करते हैं तीनों फोन की बैटरी की। तो आसूस के फोन में आपको 5 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल बैटरी आपकी होने वाली है। दो दिन किसी तरह आपको बैकअप जरूर मिलना ही मिलना है। बात करते हैं ऑनर 8X में बैटरी की, तो इसमें 3750 mAh की बैटरी मिलेगी। Realme 2 Pro में आपको मिलेगा 3500 mAh की बैटरी। तीनों ही फोन में आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। अब मेन बात करते हैं तीनों फोन की प्राइस की। तो आसूस जेन फोन मैक्स प्रो M2 का जो पहला वेरियंट है 3GB 32GB का प्राइस आएगा 12,999 रुपया। सेकंड वेरियंट है 4GB 64GB का प्राइस है 14,999 रुपया, और जो तीसरा वेरियंट है 6GB और 64GB इसका प्राइस रखा गया 16,999 रुपया। अब बात करते हैं ऑनर 8X की प्राइस की, तो इसमें भी आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरियंट है 4GB 64GB इसका प्राइस है 14,999 रुपया, सेकंड जो वेरियंट है 6GB 64GB इसका प्राइस रखा गया है 16,999 रुपया, और जो तीसरा वेरियंट है 6GB और 128GB इसका प्राइस रखा गया है 18,999 रुपया। अब बात करते हैं Realme 2 Pro फोन की प्राइस की, तो जो पहला वेरियंट है आपका 4GB 64GB का प्राइस रखा गया 13,990 रुपया, जो सेकंड वेरियंट है 6GB 64GB इसका प्राइस रखा गया 15,990 रुपया, और जो तीसरा वेरियंट है 8GB रैम और 128GB मेमोरी इसका प्राइस रखा गया है आपका 17,990 रुपया। तो तीनों फोन की बात करें कि तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो दोस्तों तीनों ही फोन काफी कमाल का है। अगर आपको पसंद है कि मैं वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मुझे फोन लेना है, तो आप आराम से Realme 2 Pro ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ओवरऑल पैकेज चाहिए, तो तीनों ही फोन काफी कमाल के हैं। ऑनर 8X भी काफी कमाल का फोन है, उसका भी लुक डिजाइन जो भी परफॉर्मेंस सब कुछ बेटर रहेगा। तीनों फोन में कह सकते हैं कि तीनों फोन काफी कमाल के हैं दोस्तों। वैसे आप कमेंट करो, जरूर बताइए कि तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।